आप लोग की बहुत सारी इंक्वायरीज जो है वो कहीं ना कहीं BHU पेड सीट के लिए आ रही है, पेड सीट के लिए, ठीक है। तो फाइनली आज हम लोग जानेंगे कि ये पेड सीट जो है ये आप लोग को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है BHU के लिए, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें और मेरी बात को समझने की कोशिश करें। नमस्कार अमरीजनों, आप देख रहे हैं सूटी पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे बच्चों की इंक्वायरीज है कि सर ये पेड सीट क्या होता है। कहीं ना कहीं कुछ मैसेज मुझे ऐसे भी मिले कि सर ये जुगाड़ है क्या, BHU में पैसे से एडमिशन होता है क्या। कभी कभी तो कुछ गार्जियन जो है वो मेरे वीडियोज देख के इतने इन्फ्लुएंस हुए हैं कि इनका बहुत ऑफिस में कॉन्टैक्ट है, ये पैसे से एडमिशन करा सकते हैं। तो बड़ा बहला फुसला के सर आप देख लो, इस तरीके के भी मुझे कॉल मैसेज मिले हैं कभी कभी। तो मुझे लगा कभी चलो एक बात इस पे खुल के बातें कर लेनी चाहिए कि BHU में लूप है कि नहीं एडमिशन का। लूप मतलब बिना एग्जाम दिए एडमिशन हो सकता है, तो इस लूप को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला तो बिना एग्जाम दिए आप एडमिशन नहीं ले सकते, क्योंकि आपके पास CUT का एनरोलमेंट नंबर यानी जो एप्लीकेशन नंबर है वो नहीं रहेगा, तो इस डेटा में आप आओगे ही नहीं। तो मस्ट है कि CUT में आपका एनरोलमेंट होना चाहिए, पहली चीज। CUT में एग्जाम आपका होना चाहिए, आपका स्कोर होना चाहिए, ये तमाम चीजें तो बेसिक हो गई। अब बात आती है कि सर मेरा नंबर कम है और मेरे से ज्यादा मार्क्स वालों को एडमिशन ना मिले और मुझे मिल जाए, ये किन कंडीशन में पॉसिबल है। ये पॉसिबल है, लेकिन आप पूरा लास्ट तक सुनो, मैं बताऊंगा कि कब ये पॉसिबल हो जाता है। तो लेकिन आज का जो विषय है वो पेड सीट है। पेड सीट को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद बाकी चीज डिस्कस करेंगे। पेड सी का मतलब होता है कि ये एक्स्ट्रा पैसा दे के आप सीट को खरीद सकते हो, लेकिन यहां पे एक बात ध्यान रखना है कि ये भी मेरिट एंड रिजर्वेशन को फॉलो करेगा। कहने का मतलब सीधा सा यही हुआ कि कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज इस कुछ पर्टिकुलर सीट पे पैसे कमाने के लिए ये सुविधा देती है, जहां तक मैं इसको समझ पाया। जाहिर सी बात है, जब आप मेरिट को फॉलो कर ही रहे हो, रिजर्वेशन को फॉलो कर ही रहे हो, तो फिर जैसे ना बहुत सारे फॉरेन कॉलेजेस जो होते हैं वहां पे जब आप यूनिवर्सिटी में फंड करते हो तो जो हाईएस्ट बोली लगा के या जो भी सबसे ज्यादा फंड करता है उसके खाते, उसके कोटा में कुछ सीट डाली जाती है। आप जानते भी होंगे कई सारे जो लोग हैं वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में अपने किसी चाहने वाले का एडमिशन करा देते हैं, जबकि वहां एंट्रेंस होता है। कैसे? क्योंकि उनके कोटा में एक सीट होती है, क्योंकि वो उस कॉलेज के मेंबरशिप ले रखे होते हैं, इस तरीके की चीजें होती है। तो आप समझ लो कि पेड सीट उसी का एक यहाँ पे क्या है, एक शैडो है कह सकते हो, लेकिन ये किसी के बिहाफ नहीं है, ये आपके मेहनत के अकॉर्डिंग ही फॉलो हो रहा है। पूरी बात को समझने के लिए आप पूरी बात को समझो, पहले मेरे पूरे वीडियोज को देखो। हमारे यहाँ जो BHU में पेड सीट है ये MA MSc एंड ऑल प्रोफेशनल कोर्सेज में अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि ये कहीं पे नहीं है। अप्रोक्स जो सीटें आपको नजर आती है बुलेटिन में वो सीटें एज इट इज होती नहीं, वो तो फ्रेश सीटें, जैसे होती ना किसी के सैलरी 40,000, लेकिन फिर उस पर PF है, TADA है, सब ऐड होता जाता है और पता चला कि वो 40 कितना हो गया, 70,000 हो गया रिसीविंग लास्ट पेमेंट। तो उसी तरीके से जो सीटें आपको दिखती है बुलेटिन पे वो सीटें एज इट इज नहीं होती है। जब हमें सीटें 30 दिखती हैं तो कहीं ना कहीं 42-43 एडमिशन हो जाता है, जब हमें 100 दिखती हैं तो वो 130 हो सकती हैं। अब ये सीटें बढ़ कहां से रही हैं? यही जो सीटें बढ़ती हैं इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, इसको बोलते हैं सुपर न्यूमेरी सीट। क्या बोलते हैं इसको? सुपर न्यूमेरी सीट, ठीक है, ठीक है। और ये काम कैसे करती है? सपोज किसी कोर्स में BHU के 100 सीटें हैं, कितनी? 100। इसी 100 पे ध्यान देना, ये 100 जो डिस्ट्रीब्यूट होता है इसके अंदर बस रिजर्वेशन ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है इस सीट को। यानी ये 100 जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है OBC के नाम पे, ठीक है, OBC के नाम पे, EWS के नाम पे, ठीक है। ये सीट डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है SC ST के नाम पे, PW के नाम पे, ठीक है, ये 100 सीटें। लेकिन जो सुपर न्यूमेरी सीट होती है, ये सीटें होती हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट होती हैं किस पे? इस पे परसेंटेज लगा के, यानी 15%, इस 100 का 15 यानी 15 सीट, इसका 15% एज ए इंप्लाई वार्ड, ये पेड सीट का था, ठीक है, PS, ये इंप्लाई वार्ड का है, ठीक है, ये 15 यानी फिर और 15 हो गया। यही 3% सपोज किसी में लगा दिया, क्या, स्पोर्ट्स कोटा, ठीक है, और ये कितना हो गया, +3 सीट।
अब आप देख रहे हो कितनी सीटें हो गई। अब टोटल में अगर काउंट करूं तो कितना हो गया, 133 सीटें हो गई। यही मैं समझा रहा था आपको कि सीट तो 100 दिख रही थी लेकिन ये सीटें 133 कैसे हो गई, क्योंकि ये सुपर न्यूमेरी सीटें जो होती है बढ़ती जाती हैं। ये सीटें कुछ इस तरीके से काम करती हैं। यहां पे जो ये 30 सीटें 33 सीटें बढ़ी हैं, ये 33 सीटें ये भी किसको फॉलो करेगी, मेरिट को फॉलो करेंगी, ठीक है, ये भी मेरिट को फॉलो करेंगी और ये रिजर्वेशन को भी फॉलो करेंगी, ध्यान देना। अब हम लोग बैक में आते हैं, अब बैक में आके समझते हैं और पॉइंट्स को। ये जनरली मैक्सिमम जैसे होता है ना अप टू ऑफर मॉल में दिया जाता है, उसी तरीके से मैक्सिमम 15% ऑफ टोटल सीट्स, यानी जो 100 सीट होती है उसका मैक्सिमम 15% सीट पेड सीट के तौर पे लिया जा सकता है। अब ये मैक्सिमम 15 है, कहीं कहीं पे 5, कहीं पे 12, कहीं पे 15 लिया जाता है। जनरली 15 सीट, 15% सीट जो है 100 का लिया जाता है। जैसे किसी कोर्स में 30 है तो उस 30 का 15% लिया जाएगा, ठीक है। फॉलो मेरिट एंड रिजर्वेशन, ध्यान देना ये रिजर्वेशन एंड मेरिट को ही फॉलो करता है। ऐसा नहीं है कि ये बस पैसे फेंक के आप एडमिशन ले लोगे, ऐसा नहीं है। कैसे होता है, मेरिट एंड रिजर्वेशन पे ही काम करता है। अच्छा हाँ, कोई काउंसलिंग घर बैठे कराना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, एक काउंसलिंग वाला नंबर है, प्लीज आप डिस्क्रिप्शन चेक करो, एक काउंसलिंग वाला नंबर है, ठीक है, और उस नंबर पे आप कॉल करके इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप अपना घर बैठे काउंसलिंग करा सकते हो, ठीक है। आप लेकिन पेड सीट का फायदा उठाओगे कैसे, जब आप फॉर्म फिलअप करते हो, जब आप फॉर्म फिलअप करते हो तो ध्यान देना ये फॉर्म फिलअप करते वक्त ही डिसाइड हो जाता है कि आप पेड सीट ले रहे हो कि नहीं। आपको वहां पे टिक करना होता है या आपको एस लिखना होता है कि हाँ भाई हमें पेड सीट चाहिए। अगर आप फॉर्म भरते वक्त, यानी जो पीजी का फॉर्म फिलअप हो रहा है, इस फॉर्म में आप एस नहीं लगाते हो, पेड सीट में एस नहीं लगाते हो, तो ऐसे में आप पेड सीट के लिए एलिजिबल नहीं हो। अब आप बस रेगुलर के लिए ही बुलाया जाओगे, पेड सीट के लिए बुलाए नहीं जाओगे। एक खास बात और है, जैसे आप फॉर्म में ये एस या क्लिक कर देते हो कि वी आर इंटरेस्टेड इन पेड सीट, तो भाई ये जो पेमेंट होता है पेड सीट का 700 से 1000 जो भी हो सकता है, मतलब ये चेंज होता रहता है, आई डोंट नो कि इस बार आप चेक कर लेना, ये जैसे टिक करते हो कुछ पेड सीट के पेमेंट फॉर्म में ऐड हो जाते हैं। 300 का फॉर्म है, हो सकता है ये फॉर्म अब कितने का हो जाए, 600 का, 1000 का हो जाए, आप टिक करके देख लें पता चल जाएगा। बाकी घर बैठे काउंसलिंग कराना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है काउंसलिंग वाला, आप कॉल करके घर बैठे, क्योंकि एक्सपर्ट है, कोई गलती एरर नहीं होगा, ठीक है। ये लोग अपने वाईफाई से करते हैं, लगभग एयरटेल एक्सट्रीम से करते हैं, 60-70% एमबीपीएस स्पीड होती है, कोई एरर होने के चांस नहीं रहते, सिस्टम इन लोग का अच्छा रहता है। अब पेड सीट के जो एक्स्ट्रा पेमेंट है वो कैसे लिए जाते हैं इसको देखो। आप जब एडमिशन ले लेते हो, जो आपका एडमिशन हो गया, सपोज आपका एडमिशन हो गया, तो एडमिशन के बाद आप किसका पेमेंट करते हो, आप अपना सेमेस्टर फी पे करते हो, ठीक है, क्योंकि बीएचयू में क्या चलता है, बीएचयू में सेमेस्टर एग्जाम चलता है, एनुअल नहीं चलता है, तो आपसे पेमेंट भी कैसे लिया जाता है, सेमेस्टर वाइज लिया जाता है। तो जितने भी सेमेस्टर के आपके रेगुलर फी होंगे, ध्यान देना ये रेगुलर फी जो होगा आपका, जो भी जनरली कितना होता है, 2500 रुपए, जनरली 2500 रुपए होता है। तो ये जो 2500 रुपए है इसी पे ये 10K या 15K ऐड हो जाएगा। पेड सीट पे अगर आप एडमिशन लिए हो तो कहीं पे 10,000, कहीं पे 15 और कहीं पे 20,000 रुपए तक है। जैसे मास कॉम में पेड सीट पे जाओगे तो 20,000 रुपए देना पड़ेगा, मतलब 25,000 रुपए तक भी इसकी वैल्यू रखी गई है, बीएचयू के पेड सीट के वैल्यू, ठीक है। तो ये रेगुलर, ये फिक्स होता है। जैसे आप अगर देखोगे इसका, अगर आप लोग हम ये समझाएंगे तो समझा देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि एक्स्ट्रा फी कहां लिया जा रहा है, एक्स्ट्रा फी आपके सेमेस्टर सेमेस्टर फी में लिया जा रहा है, ठीक है। आप जो यूनिवर्सिटी को अपना फीस देते हो ना, फीस शुल्क जिसको बोलते हैं, वही शुल्क हो जाता है सशुल्क, शुल्क के साथ जो शुल्क लिया था सशुल्क, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सशुल्क बोलते हैं। तो ये एक्स्ट्रा फीस जो है 10K 15K इस तरीके से लिया जाएगा। ये ओनली एफएमसी में ही नहीं, ये ऑल एफिलिएटेड में अलाउ हो जाएगा। ये बीएचयू के, वीसीडब्ल्यू, वीकेएम, एएमपीजी, एमएमबी, डीएबी, आरजीएससी, आप कहीं भी जाकर एडमिशन लो, अगर आपका पेड सीट पर एडमिशन हुआ है, यू हैव टू पे एक्स्ट्रा पेमेंट, दैट इज 10K to 15, 25K कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ये गवर्नमेंट नॉन रिफंडेबल मनी होती है। आप नहीं समझे मैं बताता हूँ। स्कॉलरशिप आप डालते हो, भरते हो फॉर्म, जैसे यूपी के बच्चे हैं तो स्कॉलरशिप भरते हैं, उनको योगी जी क्या करते हैं, 3 साल में एक बार साथ पैसा दे देते। जनरली स्कॉलरशिप आता नहीं, बड़ा दुखद है ये,
मेरा भाई भी इंजीनियरिंग कर रहा है, उसको शायद एक बार ही पेमेंट आया हुआ है। मैं अपने टाइम पे तो गुस्से में नहीं भरा, मुझे पता है भी नहीं करता है। मेरी दी उस समय बीएड करती थी, उसको भी नहीं आया। कई सारे स्टूडेंट से कहते हैं कि सर आता ही नहीं है। तो जनरली मैंने देखा है कि यूपी गवर्नमेंट कब 3 साल में एक बार दे देगी, नहीं तो नहीं देगी। ठीक है, तो आप जो स्कॉलरशिप भरते हो, कहने का मतलब ये है वो इस पेड सीट पर रिफंड नहीं होगा। जैसे कि आपको मैं बोला कि 2500 क्या है, ये रेगुलर फी है आपकी। तो ये 2500 रुपए का स्कॉलरशिप आपको गवर्नमेंट वापस करेगी, क्योंकि इसकी आप बिलिंग लगा रहे हो, रिसीविंग लगा रहे हो, फिर रिसिप्ट लगा रहे हो, इसका पेमेंट वापस नहीं होता है। गवर्नमेंट इसका आपको नहीं देगा, क्योंकि ये पेमेंट यूनिवर्सिटी फंड में गया है, ना कि गवर्नमेंट फंड में जाता है। ये यूनिवर्सिटी फंड में पेमेंट गया है, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट में पैसा चला गया, ये पैसा गवर्नमेंट आपको वापस नहीं करेगी। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि पेड सीट वालों की कट ऑफ और कॉलिंग क्या होती है। ठीक है, कट ऑफ और कॉलिंग क्या होती है। जनरली हम लोग जानते हैं कि जो आपके कट ऑफ होते हैं पेड सीट के लिए, वो डाउन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डाउन हो जाते हैं। कितना डाउन हो जाता है? तो भाई ध्यान देना, ये उसी तरीके से कट ऑफ फॉलो होगा जैसा कि ऊपर से नीचे होते आ रहा था। जैसे एक बच्चा को जब कॉलिंग गया, सपोज कि 215 पे कट ऑफ है और उसका 210 नंबर है, तो हो सकता है कि 5 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, तो पेड में उसकी कॉलिंग चली जाए। ठीक है, वो उसी के पैरेलल चलाते हैं। तो जो कॉलिंग लेटर आती है वहां पे अगर आपका रेगुलर सीट पे हुआ है तो लिखा रहेगा रेगुलर पेमेंट। ठीक है, यानी अब आपको 2500 रुपये पे करना है, लेकिन जैसे ही आप कॉलम में देखोगे लिखा है रेगुलर प्लस पेड, इसका मतलब अब आपको यहाँ पे जो पेमेंट आएगा करने के लिए वो 10K के साथ आएगा। अब आपको शायद लगभग 10,000 कितना 12,500 रुपए अब आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, या इससे ज्यादा भी करना पड़ सकता है। तो उम्मीद है कि ये पेड शीट का जो पूरी कहानी है आप लोग समझ गए होंगे। इस तरीके से इतना डिटेल में आपको बहुत कम लोग ही बताएंगे। प्लीज आप लोग ध्यान देना कि जब भी आप बीएचयू का फॉर्म भरें, आप अपने साइबर वाले से या इस काउंसलिंग वाले नंबर से आप कॉल करोगे तो खुद ही आपसे पूछेंगे कि इवन आपका मार्क्स देख के बता भी देंगे ये लोग कि आपको पेड सीट पे जाना है कि नहीं। क्योंकि जैसे आपका जो कोर्स है उसमें जनरली जो कट ऑफ जा रहा है वो 230 जा रहा है और आपका मार्क्स है 220, तो ऐसे में पेड सीट पे टिक करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपका एडमिशन हो जाना है। पेड सीट लेना है कि नहीं लेना है जनरली, क्योंकि बीएचयू कभी पेड सीट जबरदस्ती नहीं देगा, वो ऊपर से ही फॉलो करता है। पहले बीएचयू जो है वो देखेगा कि आपको रेगुलर मिल रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि फॉर्म में आपने अगर पेड सीट टिक कर दिया तो बीएचयू आपको पहले पेड सीट ऑफर कर देगा, ऐसा नहीं है। वो क्या करेगा, पहले आपको रेगुलर सीट ही देगा। अगर रेगुलर सीट पे आप नहीं आ रहे हो मेरिट में, तो फिर वो चेक करेगा कि पेड में आ रहा है क्या, फिर पेड में जब देखो आप आ रहा है तो पेड के लिए ऑफर कर देगा। तो ऐसा बस 700 रुपये फॉर्म में आपका एक्स्ट्रा लग सकता है, बाकी बीएचयू इधर आपका लॉस नहीं कराएगा। तो ये चीजें थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि आप बॉर्डर लाइन पे हो, आपके मार्क्स कम है, तो क्या आपको पेड सीट से जाना चाहिए या फिर आपको ओनली रेगुलर सीट से जाना चाहिए। इसी तरीके से हॉस्टल में अगर टिक नहीं करोगे तो आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा, इसलिए फॉर्म में हॉस्टल जरूर टिक करिए। ठीक है, इस वीडियो को प्लीज अपने पूरे दोस्तों को शेयर कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे शेयर करो। बाकी डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, उसे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। मेरा इंस्टा है नीरदर्शन, कोई प्रॉब्लम वहां मैसेज करो, मैं खुद कॉलिंग नंबर दूंगा, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट में, सो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मुस्कुराते रहे। घर बैठे काउंसलिंग कराना है, डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, आप उन्हें कॉल कर लो, आप घर बैठे काउंसलिंग करा सकते हो। ठीक है, कुछ चीजें अगर पेड शीट में अगर डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप करके, इंस्टा पे नीरदर्शन मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, हर हर महादेव, बहुत सारी शुभकामनाएं।